इस बीच दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से आपको बता दें, धरती हिली है, भूकंप आया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि काफी देर तक ये धरती कांपती रही। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। कुछ मिनटों पहले ही ये भूकंप आया। भूकंप झटकों की वजह से धरती काफी देर तक हिलती रही। अभी दो हफ्ते पहले भी दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए थे। तब नेपाल केंद्र था, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में धरती कांपी है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, विशेष तौर पर दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में ये झटके महसूस हुए हैं। काफी देर तक लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में धरती कांपी है, भूकंप आया है, तेज झटके, देर तक कांपती रही धरती। तस्वीरें भी सामने आई, आप देख सकते हैं भूकंप के झटके कैसे महसूस हुए, धरती कांपने लगी। दो हफ्ते पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तब नेपाल केंद्र था, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में भूकंप के झटके महसूस, काफी देर तक धरती हिलती रही, फिर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जब भूकंप आया तो कैसे धरती हिली। आपको बता दें, दो हफ्ते पहले जब भूकंप आया था तो हड़कंप मच गया था, लोग दफ्तरों से बाहर निकल गए थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। उस वक्त नेपाल भूकंप के केंद्र था। अब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये कुछ देर पहले की ही खबर है। इस पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि धरती कांपी है, काफ़ी देर तक धरती हिलती रही। ये खबर अभी अभी ब्रेक हुई है, इस खबर पर हम लगातार अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश। देखिए तस्वीरें, देखिए किस प्रकार से पंखा, बंद पंखा हिलने लगा, धरती कांपने लगी। दिल्ली गाजियाबाद नोएडा में धरती कांपी है। दो हफ्ते पहले भी भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए थे और तेज झटके महसूस किए गए थे। अब ऐसे में क्या तीव्रता रही वो भी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।